पॉक्सो कानून पर क्यों है अदालतों में मतभेद? आखिर क्या है पॉक्सो के तहत प्रावधान? आपके शरीर का कौन सा हिस्सा है आपका प्राइवेट? क्या अदालतों के फैसलों में न्याय की हो रही है अनदेखी? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। भारत की कुल जनसंख्या का 37% और पूरे विश्व की जनसंख्या का 20वां हिस्सा बच्चों का है। ऐसे में ना सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व के लिए इन 20% हिस्से के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, बच्चों को पालना बच्चों का खेल नहीं होता, एक बेहद अहम जिम्मेदारी होती है। आजकल के समाज में बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन शोषण के मामले गंभीर चिंता का विषय हैं और वयस्कों के मुकाबले बच्चों को अपने ऊपर हुए यौन हिंसा के मामलों को समझने या उन पर यौन हमलों का खुलासा करना बेहद कठिन लगता है। ऐसे में देश में बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन हमलों से निपटने के लिए अलग कानून की आवश्यकता को महसूस करते हुए 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पॉक्सो कहते हैं, इसे लाया गया। 2012 में देश में लागू हुए पॉक्सो को देश में बच्चों पर होने वाले यौन हमलों से सुरक्षा के मामले में अब तक एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जाता था। लेकिन हाल ही में अलग अलग अदालतों में इसकी अपने अपने स्तर पर अलग अलग व्याख्या करने के बाद इस कानून पर अब लोगों का संदेह जाहिर होना लाजमी है। बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में कब पॉक्सो एक्ट लगेगा या किस मामले में पॉक्सो एक्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस बात को लेकर महाराष्ट्र की ही दो अदालतों का एक दूसरे से एकदम अलग अलग रूप देखने को मिला। बीते कुछ समय से पॉक्सो एक्ट की अलग अलग जजों द्वारा अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गेनेडीवाल का फैसला तो आप सबको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कपड़े के ऊपर से किसी बच्चे के स्तन को छूना पॉक्सो के तहत नहीं आता। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क होना अनिवार्य है। खैर, अब ये तो रही जज साहिबा की दलील, लेकिन पॉक्सो कानून में ये बात आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलती। यहाँ भी जज साहिबा ने अपने विचार के सहारे ही फैसला सुना दिया। इसी पॉक्सो कानून के तहत अब बॉम्बे हाईकोर्ट का एक नया फैसला नए रूप में परिभाषित करते हुए सामने आया है। इस फैसले में कहा गया कि किसी नाबालिग बच्चे के पृष्ठभाग यानी उसके बैक को छूना भी पॉक्सो के तहत अपराध है, और इतना ही नहीं, कोर्ट ने ऐसा करने वाले व्यक्ति को पॉक्सो के तहत 5 साल की सजा भी सुना दी। दरअसल ये मामला 17 सितंबर 2017 का है। एक 10 साल की बच्ची अपने घर से बाहर ब्रेड खरीदने के लिए दुकान के पास गई, जहां 4 लड़के बैठे थे। उन लड़कों ने लड़की को देखकर पहले तो उस पर कुछ तंज कसे, उसके साथ छेड़छाड़ की। फिर उसके बाद जब वो अपनी एक सहेली के साथ मंदिर की तरफ निकली तो उनमें से एक लड़का आया और उसने लड़की के पृष्ठभाग को यानी उसके बैक को पकड़ लिया। उस लड़के की उम्र 21 साल थी। लड़की के माता पिता ने उस 21 साल के लड़के के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। पॉक्सो के तहत मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन इस पूरे मामले पर आरोपी के वकील की तरफ से जो दलील आई वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। वकील साहब ने कहा कि पॉक्सो में किसी नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को यौन इरादे से छूने की बात की गई है, लेकिन पृष्ठभाग यानी किसी का बैक तो प्राइवेट पार्ट में आता ही नहीं, इसलिए ये मामला पॉक्सो के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। मतलब किसी के शरीर का कौन सा हिस्सा उसका प्राइवेट है और कौन सा नहीं, ये भी हमारे कानूनों और हमारे न्यायविदों के फैसलों पर निर्भर करेगा। खैर, इस मामले में अदालत का फैसला सुनकर आपको शायद न्याय व्यवस्था पर आपकी उम्मीद बरकरार रहती नजर आ जाए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि बच्ची के शरीर के बैक पार्ट को छूना बिना यौन इरादे के किया गया कृत्य नहीं है। यहां बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के फैसले के विपरीत अदालत ने कहा कि पॉक्सो कानून के सेक्शन 7 के तहत किसी नाबालिग के बैक को छूना अपने आप में हमलावर के यौन इरादे को स्पष्ट करता है। इस तरह के मामले में आरोपी के ऐसा करने की और कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी नाबालिग के शरीर का बैक पार्ट भी पॉक्सो की परिभाषा के तहत प्राइवेट पार्ट की श्रेणी में आता है।
इसलिए इस मामले में आरोपी लड़के को कोर्ट ने बाल अपराध का दोषी बताते हुए 5 साल की कड़ी सजा भी सुनाई। मतलब यहाँ इस पूरे मामले पर यह कहना गलत नहीं होगा कि न्याय कोई अंतिम सत्य की तरह मिला भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह से हारकर न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे तो न्याय मिल ही जाएगा। न्याय कितना होगा और कैसे होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि माननीय न्यायमूर्ति की नजर में न्याय का अर्थ क्या है, वो कानून को किस तरह परिभाषित कर रहे हैं। मतलब यहाँ आम आदमी के लिए जो न्याय है वो हमारे जजों के लिए रबर की वो गेंद है जिसे जब मन चाहा अपनी सोच, अपने विचार, अपने आग्रहों, अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से हमारे न्यायाधीश जितना चाहे उतना ऊंचा उछाल सकते हैं। और हमारे पास इसका कोई तरीका भी तो नहीं है जिससे कि हम किसी तरह कानून के इस ओवर या अंडर इंटरप्रिटेशन पर लगाम कस सके। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है कि बच्चों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन अलग अलग कानूनी व्याख्याओं में बच्चों का बचपन पीछे ना छूट जाए, क्योंकि इस तरह के यौन हिंसा के मामलों में बच्चों के कोमल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।